इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 2 जुलाई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की जान ले ली गई थी। उनके शासन की समाप्ति को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव माना जाता है। देश दुनिया के इतिहास में 2 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की जान चली गई थी। 1717 में आज ही के दिन अमेरिका के वोरमोंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। होम्योपैथी का आविष्कार करने वाले क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हानेमान का निधन आज ही के दिन 1843 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। आज ही के दिन 1962 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 1897 में आज ही के दिन इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया था। आज ही के दिन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार किया था। 1940 में आज ही के दिन हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले का आदेश देते हुए ऑपरेशन सी लायन की शुरुआत की थी। देश के प्रसिद्ध जनकवि आलोक धनवा का जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। आज ही के दिन 1949 में वियतनाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी। 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य तूफानी सरोज का जन्म आज ही के दिन 1956 में हुआ था। देश के स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन आज ही के दिन 1950 में हुआ था। 1962 में आज ही के दिन सैम वाल्टन ने अरकनसास के रोजर्स में अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला था। आज ही के दिन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1979 में आज ही के दिन सुसान बी एंथनी डॉलर जारी किया गया था, जो एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का था। आज ही के दिन 1983 में स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कलपक्कम में काम करना शुरू किया था। 1990 में आज ही के दिन सऊदी अरब में मक्का से मीना की ओर जाने वाली सुरंग में भगदड़ मचने से 1426 हज यात्रियों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 1993 में अध्यादेश के जरिए ONGC को कॉरपोरेशन में बदला गया था। 2002 में आज ही के दिन हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया था। आज ही के दिन 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी। 2006 में आज ही के दिन इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।